स्पीति का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्लेस, हजार साल से भी पुराना है। सुयश को पीछे ही छोड़ दिया और यहाँ पे मैंने सुना था एक मामी भी है। हम लोगों ने एक फन किया, सुयश को पीछे ही छोड़ दिया और कार लेके हम लोग आगे आ गए। मेरा भाई वापस आ गया कुंभ के मेले से। क्या कहेगा, हम चले जाएंगे, मर जाएगा दीवाना जमाना, क्या कहेगा। हम लोग ग्रेजुअली किमोनोसुकी के ऊपर उठ रहे हैं। ये मैं हूँ किमोनोसुकी में, स्पीति का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्लेस। हम लोगों ने अपनी कार को यहाँ पे रोका है और अंदर की तरफ चलेंगे थोड़ी देर में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं की मॉनेस्ट्री। ये कहा जाता है स्पीति का वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट ट्रेनिंग सेंटर है, जो करीबन हजार साल से भी पुराना है। लीटन भाई कुछ बोलेंगे इस बारे में, की मॉनेस्ट्री के बारे में। मैं अपने बाल देखने आया था, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। ये है मोस्ट आइकॉनिक प्लेस ऑफ स्पीति वैली, इसको हम कह सकते हैं। आप स्पीति वैली गूगल में सर्च करोगे तो पहले ही की मॉनेस्ट्री का फोटो आएगा आपके पास, आपके सामने। तो एंड नाउ वी आर एट की मॉनेस्ट्री एंड विच इज़ अराउंड लाइक 13,668 फीट अप्रॉक्स सी लेवल के ऊपर है। इस स्पीति वैली में जितने भी विलेजेस है, इसको पांच मेन मॉनेस्ट्री के अंदर बांटा गया है। तो की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉनेस्ट्रीज उसमें से, जैसे की मॉनेस्ट्री हो गया, ताबो मॉनेस्ट्री हो गया, पीन वैली में एक मॉनेस्ट्री है वो मॉनेस्ट्री हो गया, फिर अपना धनकर मॉनेस्ट्री हो गया। तो ऐसे ऐसे मॉनेस्ट्री के अंदर इसके यहाँ के सारे गाँव को बांटा गया है और उसमें से की मॉनेस्ट्री सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लामा जी रहते हैं, लगभग 1000 लामा जी से यहाँ पर रहते हैं, बच्चे और बड़े मिला के जो यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, मतलब पढ़ाई करते हैं बुद्धिस्ट कल्चर के ऊपर जो स्टडी होता है। राइट राइट। और जो मेन फेस्टिवल्स जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, मतलब यहाँ का जो सबसे मेन फेस्टिवल है की मॉनेस्ट्री का, वो है गुइतुर फेस्टिवल बोलते हैं उसको, लोकली गुइतुर फेस्टिवल जाना जाता है। वो मेनली जुलाई अगस्त में मनाया जाता है। कभी आइए देखिए हमारे। और यहाँ पे मैंने सुना था एक मामी भी है बहुत, वो ग्यू में है। ग्यू में ना, वो बहुत उधर है, मतलब अच्छा वो उधर ऊपर और जगह पे है। मैं मॉनेस्ट्री के अंदर जा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा और अंदर का सिनारियो, अंदर का व्यू दिखाने की। बहुत ही पीसफुल, बहुत ही प्यारा जगह है, करीबन 1000 ईयर्स ओल्ड। भारत के सबसे सुंदर राज्यों में से एक हिमाचल प्रदेश है, समुद्र तल से लगभग 4166 मीटर यानी 13,668 फीट की ऊंचाई पर स्थित है की मठ या की मोनेस्ट्री। की मोनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले का एक प्रसिद्ध तिब्बती मठ है। यह बहुत ही खूबसूरत मठ है। इस मठ को देखकर आपको यह विश्वास करना मुश्किल होगा कि यह मठ 1000 साल पुराना है। की मोनेस्ट्री स्पीति घाटी का सबसे बड़ा मोनेस्ट्री है।
की मोनेस्ट्री की स्थापना 11वीं शताब्दी में ड्रोमटोन ने की थी। इस मठ में अब भी प्राचीन बौद्ध पेंटिंग्स है। इस धार्मिक मठ में बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु, नन, लामा अपनी धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए रहते हैं। ये मोनेस्ट्री का गेट है, यहाँ थोड़ा सा ये साइलेंस जोन है, मैं यहाँ शायद कुछ बोल नहीं पाऊंगा या बहुत ही धीरे बोलूंगा। इस रास्ते से मैं टेंपल के अंदर गया था, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो बहुत कुछ नहीं दिखा पाया आपको। और ये हम आ गए की मोनेस्ट्री के थोड़े ऊपर की तरफ, पीछे आप देख पा रहे की मोनेस्ट्री है। क्योंकि स्पीति का सबसे पुराना बुद्धिस्ट ट्रेनिंग सेंटर है, करीबन 1000 साल पुराना है ये और सी लेवल से करीबन 13,668 फीट ऊपर है और बहुत ही खूबसूरत है ये। आप लोग यहाँ का व्यू देख सकते हो, पीछे देखिए ये पूरा की, यहाँ करीबन 1000 से ज़्यादा लामाज ट्रेनिंग लेते हैं, बुद्धिज्म की पढ़ाई होती है। देखिए एक लामा जी जा रहे हैं, ये की का पूरा व्यू, ऊपर आप हाइक करके भी जा सकते हो। लगभग 17वीं शताब्दी के दौरान मंगोलों ने इस क्षेत्र पर पहली बार आक्रमण किया था और लगभग 3 शताब्दियों बाद उन्होंने इस क्षेत्र पर पुनः हमला करके इस क्षेत्र को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। बाद में इस क्षेत्र को कई और विपदाओं को झेलना पड़ा था, जैसे लद्दाख और कुल्लू के बीच युद्ध, गुलाम खान और रहीम खान के बीच युद्ध इत्यादि। इस मठ ने अपने लंबे इतिहास में कई बार हमलों का सामना किया है और क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस ऐतिहासिक रचना की मरम्मत का काम किया और एक खूबसूरत की मोनेस्ट्री आपके सामने है।
बस यहाँ तक की मोनेस्ट्री का टूर था, आप लोगों को की मोनेस्ट्री का दर्शन करा दिया। अब हम लोगों को बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो या तो हमें जाना पड़ेगा काजा खाने, और मोस्टली इस टाइम पे रेस्टोरेंट बंद रहते हैं, तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि सीधा घर चलते और घर पे चल के कुछ पकाते और मस्त खाते हैं। तो आप सबसे मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। इस व्लॉग को मैं यहीं तक एंड करता हूँ। अलविदा।